हेलो गाइस, काफ़ी लंबे समय के बाद एक नया ब्लॉग आ रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल गांव पर है हम लोग, तो अभी लॉकडाउन में गांव के मज़े ले रहे हैं। तो इस टाइम हम लोग खेत पर जा रहे हैं, तो आपको खेत का कुछ नज़ारा दिखाएंगे। सोयाबीन है, धान है, उड़द ही है, तो आपको तीनों बताएंगे। जो किसान भाई है मैं उन लोगों को वो तो जानते हैं, पर जिनको नहीं पता है उनको बताएंगे कैसे क्या होता है। तो कंटिन्यू हमारे ब्लॉग पर बने रहे। एनडी फिल्म के मेंबर आनंद भाई फुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं खेत पर। आनंद भाई जरा मोदी जी से बोल के गोया अपने रास्ता तो बनवाओ यार खेत का। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं हमारे खेत पर। तो ये है मेरे जो पीछे है ये उड़द है, तो मैं आपको इसको पास से बताता हूँ कि उड़द के पौधे कैसे होते हैं। हेलो दोस्तों, ये हम अभी उड़दी में चल रहे हैं, उड़द में। अब आपको हम आगे सोयाबीन बताएंगे। और ये आनंद भाई हमारे साथ में वीएनडी फिल्म के मेंबर, आपने वीडियो में देखा होगा काफ़ी वीडियो में इनको। सोयाबीन में आ चुके हैं। ये है सोयाबीन, जो कि आपको मैं बैक कैमरे से बताऊंगा पूरी सोयाबीन कैसे क्या इसका पौधा है। तो अभी इसमें ये पल्पा बोलते हैं इसको, बताइए बताने के लिए पल्पा क्या होता है। ज़्यादा तो आता है हमारे मनीष भाई, जो कि आपको दिखाते हैं हम आपको बैक कैमरे से, वो पल्पा कर रहे हैं। जो देखा भी फ्रंट कैमरे से देखिए, पीछे मनीष आ रहे हैं पल्पा लेके, आपको हम बैक कैमरे से बताते हैं। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं धान के खेत में, तो अब आपको धान बताते हैं। देख सकते हो अब आप धान में के खेत में हम आ चुके हैं। तो ये है धान का खेत, तो इसमें ये धान लगी हुई है, ये है सिड्डिल से बोई हुई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसी क्या लगी है तीनों। तो आपको मैं धान भी बैक कैमरे से बताता हूँ कैसी लगी हुई है, तो आप कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पर बने रहे।
हेलो गाइस, ये है तीनों फसल। आपको कैसी लगी है वो कमेंट करके बताइए, और जो नए हमारे व्यूअर हैं वो ऐसे ही नए ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। गुड बाय।